करत करत अभ्यास के जड़म की होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। कबीरदास जी अपने इस दोहे के माध्यम से हमें ये समझाना चाहते हैं कि यदि आप किसी भी कार्य को निरंतर और प्रयत्न पूरी तरीके से कंटिन्यूअसली करते रहेंगे तो उससे जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे वो बेहतरीन बेहतरीन और बेहतरीन होता जाएगा। यानी कि वो सारी चीज़ें आपको क्या होगी, दिन ब दिन निखारती जाएगी। आपने ये सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी भी चीज़ को, किसी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट काम को कंटिन्यूअसली और निरंतर करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आप उस मोमेंट पे पहुंच जाएंगे जो कि आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट मिल रहा है, राइट? क्योंकि कोई भी काम ऐसा कैसे हो सकता है कि आप कंटिन्यूअसली करेंगे, प्रॉपरली करेंगे और आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो यही कहना चाहते हैं कबीरदास जी, जिस प्रकार से जो रस्सी होती है, रस्सी जब हम कुएं से पानी निकालते हैं तो उसके लिए एक रस्सी का प्रयोग किया जाता है। उसमें ऐसा होता है कि वो बाल्टी में रस्सी बंधी हुई होती है और उसको डालते हैं अंदर कुएं में और उस रस्सी से उस बाल्टी को खींचते हैं। तो बीच में जो चक्री लगी होती है वो क्या होती है, सील, यानी कि पत्थर की होती है। तो उस पर रस्सी भी खींचने से, यानी कि ये प्रोसेस बार बार होती है, तो जिसकी वजह से रस्सी से भी घिस कर पत्थर क्या होता है, हमेशा घिस जाता है, उस पर भी निशान आ जाता है। यानी कि एक पतली सी रस्सी भी क्या करती है, उस पत्थर को घिस कर उस पर निशान बना सकती है। आप बताइए रस्सी कितनी कमज़ोर होती है अगर पत्थर से देखा जाए, ठीक है? लेकिन उस कार्य को निरंतर करते रहने की वजह से क्या हो रहा है, उस रस्सी में भी इतनी क्षमता, इतनी ताकत आ चुकी है कि वो उस पत्थर के ऊपर क्या कर रहा है, निशान बना दे रहा है। तो यही कहना चाहते हैं कबीरदास जी, अगर आप किसी भी कार्य को निरंतर और हमेशा करते रहेंगे तो उससे जो मिलने वाला रिजल्ट होगा वो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा होगा। तो यही कहना चाहते हैं दोहे के माध्यम से कबीरदास जी अपने, कि करत करत अभ्यास के जड़मति होते सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान, सिल पर परत निशान। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।